चलिए आपको लिए चलते हैं रानीवाड़ा। इस वक्त वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जर्जर पड़ी हुई है, स्कूल के अंदर जाने के लिए सड़क नहीं है, सब टूटी हुई सड़कें पड़ी हुई है। और मैं जहाँ गई हूँ मैं पूछती हूँ, अरे भाई गांव वाले यहाँ सब बैठे हो, आप लोग मुझे बता रहे हो, लिख के बता रहे हो, खड़े हो रहे हो उसके बस के सामने कि रुक जाओ हमारी बात सुनो। मैं कहा मेरे सामने तो ये सब कर रहे हो, उनके लोगों के सामने आपने किया कि नहीं किया, उनको बता क्यों नहीं रहे हो? तो वो मेरे को यही कहते जो आप कह रहे हो कि हम बताएं किसको, कौन सुनता है हमारी बात? हम तो कह कह के थक गए, धरना कर कर के थक गए, पिट भी गए, धकेले भी गए, सब कुछ हो गया, परंतु हमारा कोई काम करने को तैयार नहीं है। 4.5 साल निकल गए, हम भूखे प्यासे इस तरीके से बैठे हुए हैं, हमारा कौन देखेगा? महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, किसान भाइयों ने कहा आपका डीजल आपका पेट्रोल 2 रुपए तो पेट्रोल बढ़ गया, डीजल 50 पैसे फिर बढ़ गया, और महीने महीने में मैं सुन रही हूँ कि 50-50 पैसे के हिसाब से वो बढ़ाएंगे। उनको लगता है कि गांव वालों को ध्यान नहीं आएगा, हम तो चुपचाप चुपचाप इसको बढ़ाते रहेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। और पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो सब चीज बढ़ती है, प्याज के दाम कहां से कहां पहुंच गए, किसान को कहां क्या मिल रहा है और बाजार में क्या मिल रहा है, ये कितना दुविधा है। इसी तरीके से गैस, माताएं बहने, मिल रहा है गैस आप लोगों को? मेरे टाइम में 260 रुपए का एक सिलेंडर मिलता था, और कितना चाहिए वो ले जाओ, आज आपको 9 सिलेंडर के बाद 1,000-1,200 रुपया ब्लैक में देना पड़ता है, नहीं तो सिलेंडर नहीं मिलता है। आज ये स्थिति है सिलेंडर की, ये जगह जगह पे चीनी हमारे टाइम में 17 रुपए किलो होता था, अब क्या हो गया है? आज महिलाएं बार बार पकड़ पकड़ के मुझे ये कहती हैं कि हम अपनी बच्चियों की शादी कराएं तो कैसे कराएं, हमारा सोना चांदी सब महंगा हो गया है, हम अगर शादी कराना चाहते हैं तो हमारा सब कुछ घर के अंदर गिरवी रखना पड़ता है, आज ये स्थिति हो गई है। अरे राजस्थान को आगे बढ़ाने के बजाय, विकसित करने के बजाय और गरीब छोड़ने की कोशिश की है। जब मेरे को 2004 में आपने सरकार दी थी तो बीमारू प्रदेश दिया था, उस बीमारू प्रदेश को आप सबसे राय करके, सबसे बात करके, बहुत मुश्किल से गड्ढे में से निकाल के अपने पैर पे खड़ा किया, और ये कोशिश की कि आगे जाने वाले प्रदेशों के अंदर भी हमारा नाम आ जाए, ऐसा हम लोगों ने कोशिश की। 5 साल निकल गए, दूसरी सरकार आ गई, आज उस सरकार ने हमको 10 साल पीछे करके छोड़ दिया है। हम लोगों को आज कर्जा करीबन 2 लाख हमारे ऊपर आ गया है, सरकार के ऊपर आ गया है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर कर्जा भी उतारना है, साथ में विकास भी करना है, जिस गड्ढे में डाला था उसमें से बाहर भी निकालना है, और दूसरे प्रदेशों के साथ भी कंपटीशन में आना है। बताओ ये कैसे होगा? ये हम लोग मिलके करेंगे तभी होगा। और मैं कहना चाहती हूँ भाइयों, ये देखो बीपीएल के परिवार, हम तो कहते हैं कि बीपीएल परिवार को हम ये देंगे, बीपीएल परिवार को हम देंगे, परंतु सरकार ने चला के बीपीएल परिवारों को तो गरीब रखने की बात करी है। जो गरीब परिवार है वो आज तक बीपीएल नहीं बने, और जो अमीर लोग हैं उनके पास बीपीएल के कार्ड आ गए, तो बेचारे गरीबों का होगा तो क्या होगा? हम लोगों ने अपने समय में उसका एक जांच करने की कोशिश की थी, और मैं ये सबको कह रही हूँ कि आने के बाद ये जांच करना जरूरी है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और अच्छे लोगों को, जो लोग गरीब हैं उन लोगों को वो कार्ड मिले, ताकि उनको फायदा मिल सके। ये मैं कहना चाह रही हूँ सब लोगों को। आज आप देख लीजिए महानरेगा का काम कहीं हो रहा है क्या भाइयों? हो रहा है कि कहीं? कहीं नहीं हो रहा है। हमारे समय में 26 लाख लोगों को महानरेगा के अंदर हमने काम दिलवाया, और काम ऐसा दिलवाया कि परिसंपत्तियां बनी और राजस्थान अगर विकसित हुआ और आगे बढ़ा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ 26 लाख लोगों को जिन्होंने अपने हाथों से राजस्थान की परिसंपत्ति बनाने का काम किया। वो सिर्फ वसुंधरा राजे ने नहीं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो 26 लाख लोगों ने साथ मिलकर हमारे राजस्थान को विकसित करने का काम किया, जिनकी मैं आज, पार्टी भी आज जोरदार तरीके से आभारी है। आज आप देख लीजिए महानरेगा, 1 लाख लोगों को मुश्किल से नौकरी मिल रही है, और जिस तरीके से हम लोग महीने महीने में महिलाओं को 100-100 रुपए के हिसाब से सबको काम कराया करते थे, बाद में उनको लुगड़ियां देने का कोशिश करते थे, आज कहीं नहीं हो रहा है। आज तो 4 महीने बाकी हो गए हैं चुनाव के लिए, तो याद आता है कि हाँ जनता भी है। कुंभकर्ण की नींद से जागे और उन्होंने सोचा कि भाई हम तो जाएंगे लोगों के बीच में जाके, अब लोगों को जगा के उनका वोट लेंगे, तो कैसे जागेंगे? कि हम लोग पेंशन देंगे आपको। अरे माताएं बहने,
भामाशाही योजना के द्वारा 2008-2007 के अंदर मैंने 800 करोड़ की योजना बनाई थी, जिसके 200 करोड़ अभी भी बैंकों में पड़ा हुआ है। और मैंने ये कहा था कि महिलाओं के द्वारा हम कार्ड दिलाएंगे और कार्ड के ऊपर 1500 रुपया बैंक अकाउंट खोलने का प्रोत्साहन की राशि देंगे और उसके साथ साथ आपको 30,000 रुपया अपने जीवन बीमा के ऊपर देने का काम करेंगे। और मैं सब लोगों को ये कह रही थी कि उसके अंदर पेंशन, उसके अंदर सब कुछ चीज चला जाएगा, उसमें बीपीएल के और एससी के और एसटी के और लघु और सीमांत कृषक, इन सब के लिए 50 लाख परिवारों के लिए हमने इंतजाम करके छोड़ा था। अगर उसको ही आपने आगे बढ़ा दिया होता तो 4-4.5 साल आपको पेंशन आज तक मिली होती। ये आखिरी दिन में भागा दौड़ी पेंशन दे रहे नहीं दे रहे ये किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती। आज जो स्थिति बन रही है मैं देख रही हूं, ये सब ढोंग है, सब दिखावा है, इसके पीछे कुछ नहीं है। ये खाली वही चीज है जो कांग्रेस हमेशा करती और माहिर है उसमें कि चुनाव आएगा तो जाति जाति को भिड़ाओ, मजहब मजहब को लड़ाओ, इनके बीच में झगड़ा होगा तो फायदा हमारा होगा, आपको अगर उनने विकसित किया तो नुकसान उनका होगा। वो कहते हैं कि आपको गरीब रखा जाएगा तो इनके वोट हमको मिलेंगे। इस तरीके से लगातार करते करते आज 53 साल हो गए। गुजरात आपसे लगा हुआ है, एक गांव मुझे लगता है साकर था कि सहवाड़ा था, तो आखिरी गांव था, उस गांव ने मेरे को यह कहा कि हमारी पानी की मुसीबत है, हमारी बिजली की भी मुसीबत है, पर मैडम जी हमको ये नहीं, एक गुजरात से यहां तक आने वाला, बॉर्डर से अंदर आने वाला कुछ 2 किलोमीटर का रास्ता है, वो बहुत हालत खराब है, उसको बना दो। उसके पीछे क्या भाव था? उसके पीछे ये भाव था कि हम गुजरात में जाते हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ आते हैं, ये हमारी नाक का सवाल है कि वो उधर से इधर आ जाते हैं तो कहते हैं कि क्या है ये, कुस जंगल में रहता है हमारा रिश्तेदार, तो आप अगर ये सड़क कर दोगे तो हमारी इज्जत और हमारा स्वाभिमान रह जाएगी। वो समझ के मैंने उनको कह दिया कि सबसे पहले अपन वापस आएंगे तो तुम्हारी सड़क बनेगी, ताकि गुजरात के रिश्तेदार को आप कह सकोगे कि भैया हमारा स्टेट भी कुछ चीज है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही गड्ढे में पड़ा हुआ है, हम भी कुछ है। ये आपके स्वाभिमान और इज्जत को बनाने का काम हम करेंगे। अब उधर आप जो जाते हो रोज रोज आपका काम है, साचोर और ये सब पूरा इलाका जाता है तो गुजरात में जाता है। मैं अभी देख रही थी कि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था क्या हालत है, गांव में 70% जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो पिछले 1 वर्ष से ताला पड़ा हुआ है। रानीवाड़ा के सामुदायिक अस्पताल में जहाँ 5 स्थान है वहां खाली 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं और महिला चिकित्सक तो नहीं है, पूरे राजस्थान में जहां मैं गई हूँ कहीं नहीं है। और मेरे को अभी एक गांव में, कौन सा गांव था, सेवाड़ा था कि कौन सा गांव था, मैं पहले सरपंच साहब ने मेरे को कागज दिया और एक बड़ा सा फोटोग्राफ उसके साथ लगाया, उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था ये हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये उसका गेट है और ऊपर से हमने लिख दिया कि 2 साल से ऐसा ही पड़ा है, ना तो डॉक्टर है ना कुछ है ना कहीं है। और ये कहते हैं कि मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच, किसकी मुफ्त दवाई और किसकी मुफ्त जांच करा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुराज संकल्प यात्रा रेवदर पहुंची है, सीधा रुख करते हैं रेवदर का। एक ही बात कही है कि जो मुसीबत है हमारी इस क्षेत्र के अंदर वो मुसीबत पूरे राजस्थान की है। मैंने देखा कि आज करीबन एक आधा दर्जन गांव से ज्यादा हम लोगों ने किया, साचोर से चल के रानीवाड़ा और रानीवाड़ से चल के आप तक पहुंचने में करीबन 10 या 15 गाँव हुए और एक एक गांव के अंदर समस्या वो ही थी। मैंने नहीं देखा कि कोई फर्क होगा इन लोगों की समस्या में। और वो समस्या सबसे पहले सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के मुझे ये कहा कि मुझे पानी का इंतजाम कर दीजिए, सही समय पे पानी आ जाए, साफ और पर्याप्त पानी आ जाए, क्योंकि हमारा पानी ये खारा नहीं, इसको बोलते फ्लोराइड वाला पानी है और वो फ्लोराइड वाले पानी की वजह से हम लोग सब बीमार हो जाते हैं। किसान चाहता है कि साफ पानी मिले उसको और क्षेत्र के अंदर उसको सही तरीके से अच्छा पानी खेत के लिए मिले, इसका इंतजाम अगर आप कर सकते हो तो हम समझते हैं कि हमारा बहुत फायदा होगा। ये एमएलए साहब मेरे साथ बैठे बार बार कहते रहे कि पानी का इंतजाम। मुझे समझ में नहीं आया, जब गांव के साथ में बैठी तो समझ में आया कि एक एक गाँव के अंदर वही समस्या है। और मैं तो आज जब बस में थी तो टेलीविजन देख रही थी, ईटीवी का मुझे देखने को मिला, ईटीवी का तो एक बहुत अच्छा चल रहा है, मुख्यमंत्री की एक फिल्म,
उस फिल्म के अंदर बता रहे हैं कि पानी ऐसा ओर को आ रहा है, खेत लहलहा रहे हैं और पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खड़ा हो गया है। और मैंने जगह देखा तो सातों संभाग के अंदर ऐसा पानी निकलते हुए मैंने कहीं नहीं देखा। हर एक आदमी ने मेरे को यही कहा कि मालूम नहीं वो कौन से संभाग में है, परंतु हमारे संभाग में तो है नहीं, हमको पर्याप्त पानी या मीठा पानी नहीं मिलता है। और इसी तरीके से लोगों ने हमको ये कह दिया कि झूठ बोलने में तो नंबर एक है, उनको लगता है कि हमारे लोग उसको देख के सोचेंगे कि अगले में हो रहा है और अगला सोचेगा और अगले में हो रहा है, परंतु ये कहीं भी राजस्थान के अंदर नहीं है। ये पानी की समस्या सब दूर है, ये बिजली की समस्या सब दूर है, ये रोजगार की समस्या सब दूर है, डॉक्टर और टीचर की समस्या सब दूर है। और राजस्थान को अगर आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों को ठीक करना है। ऐसी सरकार लानी है जो जनता की चिंता करे, ऐसी सरकार लानी है जो जनता का काम करे। मैं अभी यही पता कर रही थी कि आपके पानी की स्थिति यहाँ रेवदर के अंदर क्या है, तो हमने ये पता किया कि अनादरा माउंट आबू ये इस रस्ते के अंदर सिरोही जिले के लिए हमारे 700 करोड़ की नर्मदा योजना बनाई गई थी। रेवदर तहसील के अंदर करीबन 40 गांव इस और पूरा कस्बा शामिल था। मैं देखा कि यहाँ पानी की भारी किल्लत है, 3 या 4 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है। क्या ये सही है? रेवदर के अंदर 3 या 4 दिन के अंदर आपका पानी सप्लाई होता है, क्या ये सही है? और इनका कहना है कि गांव में तो इससे भी खराब स्थिति है, आपको शहर के अंदर तो उतना भी मिल जाता है। गांव वालों को जहां मैं रोकी थी तो मैंने पूछा कि जब 5-5, 10-10 दिन में पानी नहीं आ रहा है तो क्या करते हो, तो उन्होंने कहा हमको जाना पड़ता है गांव के खेतों के कुएं पे,